والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وألي بابها وقال عليه السلام وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيزا الذي بقاك واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز ساتھیو آج دی یہ مختصر نشست امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد پیغمبر سسر فاروق اعظم حیدر کرار شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے کا ہے. چونکہ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے ٹائم جامع مسجد کوفہ دے اندر زخمی ہوئے اور پھر اسی زخم کی وجہ لال جامع شہادت نوش فرمایا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شان و عظمت کے اعتبار نال مقام اور مرتبے کے اعتبار نال اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حوالے نال بہت ساری انفرادی خصوصیات حامل ہیں. تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساڈے ایمان دا حصہ نے، ساڈے ایمان دا جز نے. تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کامیابی دا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے نے اور سادہ بحثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، کہ صحابہ سب دے سب پر حق نے، عادل نے. لیکن درجات فضیلت دے اعتبار نال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے. جس طرح نبیوں تو بعد سب تو اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ خلافت کی جڑی ترتیب ہے یہی انہاں دے مقام اور مرتبے دی بھی ترتیب ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی نے اور نال اہل بیت وچ ہون دا شرف بھی انہاں نوں حاصل ہے. اہل بیت دے فرد نے یہ دوری فضیلت ہے، دوری نسبت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول. صحابی ہونا بھی، اہل بیت دا فرد ہونا، نبی کریم علیہ السلام دے نال
खानदानी ताल्लुक होना आपके चचादार भाई ने, फिर दूसरा शर्त खानदानी और नस्बी एतबार नाल यह है कि आप अलैहि सलातु व सलाम की सब तो लाडली बेटी और खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे ये शोहर भी हैं। तो दामाद पैगंबर और बरादरे पैगंबर अहले बैत पर हाशमी कुरैशी ये निस्बतन भी हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हासिल हुए और ईमानी एतबार नाल सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल की उम्र के अंदर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खसूसियत में भी है कि बचपन तो ही आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी परवरिश फरमाई, आपकी तरबियत फरमाई। गोया अली दी परवरिश नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुबारक हत्था नाल हुई और फिर आप अलैहि सलाम ने जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 10 साल सी और 10 साल की उम्र के अंदर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल फरमाया। गोया बालिग होने तो पहले सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमा लिया। इस तरह आपकी जिंदगी का कोई हिस्सा भी, आपकी जिंदगी का कोई दिन, कोई रात और कोई साथ बलूगत की उम्र के अंदर ऐसी नहीं जड़ी जाहलीत के अंदर गुजरी। आप इस्लाम के अंदर आ गए बालिग होने तो पहले और फिर आप अलैहिस्सलाम के नाल ऐसा ताल्लुक, ऐसी निस्बत, ऐसी मोहब्बत कि जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान बनू हाशिम को जमा फरमाया और आपने दावत की थी अपने सारे खानदान दी, अबू लहब भी मौजूद सी और दीगर अफराद खाना भी मौजूद सा, खाना लग गया, दस्तरखान पे बैठ गए तो आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के सामने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम रखिया, अपनी दावत रखी। खाने की दावत तो पहला अपना असली पैगाम रखिया कि ऐ मेरे खानदान के लोगों, मैनू अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बना के भेजे है, कलमा दे के भेजे है, मैं तुहाडी कामयाबी की जमानत लेके आया, अगर तुम कामयाब होने तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मेरे नाल अपनी निस्बत और ताल्लुक जोड़ लो, कामयाब हो जाओगे। जो ही अपने इस्लाम ने दावत पेश की थी तो अबू लहब सबसे पहले खड़ा होया और इस बदबख्त ने हुजूर का सगा चचा होने के बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को रद्द कर दिता, नाराज होया, फूफा करता होया चला गया। अबू लहब ने देखा, देखी आपके खानदान के अफराद भी जाना शुरू हो गए तो उस वक्त ये 10 साल का बच्चा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर जे मैं बच्चा, अगर जे मैं कमजोर हूं, अगर जे मैं ताकतवर जवान नहीं फिलहाल, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं ऐलान करता, मैं वादा करता कि मैं तुहाडे दीन ते कायम हूं और मैं ता दमे आखर तुहाडी नुसरत करता रहांगा, तुहाडे नाल तावन करता रहांगा, हर चीज तुहाडे ते कुर्बान करन वास्ते हम वक्त में तैयार हूं। तो आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दीदा दलेरी नु, इस बहादराना इकदाम नु पसंद फरमाया और आपने दुआवां दित्तियां
तो हजरत अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजमत वाली हस्ती ने कि जिन्होंने बचपन को ही हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ देना शुरू किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ओ बहादुरी वाला जज्बा अता फरमाया, वो दिल अता फरमाया, वो ताकत अता फरमाई कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान मुकद्दस को आप तुम असदुल्लाह क्या गया, अल्लाह का शेर क्या गया। ये मकाम और मर्तबा सैयदना अली मुर्तजा का है कि जिस्म दे कमजोर सन, कद छोटा सी, लेकिन ईमान दे मजबूत सन कि बड़े तो बड़ा काफिर भी आपने मुकाबले ठहर नहीं सी सकता। गज़वा खंदक दे मौके ते अमर बिन अब्दुल वद बहुत बड़ा पहलवान जिसनू 1000 बंदे दे मुकाबले गिनिया जाता सी, इतना बहादुर वो आ गया। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इजाजत तलब की कि या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं मुकाबले से जावा। आपने इजाजत मरहमत फरमा दी। सैयद अली मुर्तजा अमर बिन अब्द वक्त के सामने खड़े हो गए। अमर ओ पहाड़ जैसा जिसम होता बड़ा कादावर ताकतवर और लोहे के अंदर गर्क जीरा पहनी हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नो दा कद छोटा सी, वो देख के ते कहन लगा भतीजे तू किधर आया है, कोई गलबात करने वास्ते आया है? आपने फरमाया ए अल्लाह दे दुश्मन मैं गलबात करने नहीं आया, तेरा खात्मा करन आया, तेरा खात्मा करन आया। तो वो हंस पिया, कहन लगा अरब दे अंदर किसी मां ने वो बेटा नहीं जनिया जेड़ा मेरे मुकाबले च आ सके, तेरा कद छोटा जे है तू मेरा मुकाबले किसने हाथ में जा मजाक ना कर, तू मेरा भतीजा लगना है, मैं तेन माफ किया वापस चला जा। सैयदना अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ए बदबख्त मैं वापस जान वास्ते नहीं आया, तेरा मुकाबला करने वास्ते आया। और फिर वो मुकाबला होया और तारीख ने यह लिखा है कि चश्मे फलक ने यह नजारा देखा कि वो पहाड़ जैसा आदमी ताकतवर बंदा जो 1000 बंदे के मुकाबले समझा जाता सी, उस बंदे नू सैयदना अली मुर्तजा ने चंद लम्हात के अंदर ही जमीन तक गिरा दिता, कतल कर दिता, खात्मा कर दिता। और आप कामयाब हो कामरान हो के वापस तशरीफ लेके आए। अली शेर खुदा, अली ताकत का इश्तियारा, बहादुरी का इश्तियारा, अली वो अजमत वाली हस्ती है जिसने सारी जिंदगी इस्लाम की अजमत वास्ते, इस्लाम की बुलंदी वास्ते, अल्लाह के दीन नु सर बुलंद कर वास्ते अपनी तमाम तर सलाहियतां नु लगाया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरबियत ऐसी सी कि उस तरबियत के नतीजे सैयद अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा सिपा सालार इस्लाम नु नसीब होया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जानिसार अपने दीगर साथियों के नाल मिलके सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाईन के नाल मिलके इस्लाम की सरबुलंदी वास्ते अपना किरदार अदा करते रहे। और जदों आपकी उम्र मुबारक 21 साल हो गई तो हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु हजरत अबू बकर उमर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मजमाईन ने किया अली शादी कर लो। आपने फरमाया कि मैं किसना शादी कर ला, ना मेरे को कोई मकान, ना मेरे को माल दौलत, मैं तो खुद हुजूर के घर रह रहा हाँ, मेरे को कुछ नहीं, मैं शादी किसना कर सकता और मैं रिश्ता कौन देगा। तो सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की कि हजरत फातिमा तुज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की लखते जिगर भी जवान हो चुकी ने, 18 साल उम्र है, अगर तुसी इजाजत दवो तो असी तुहाडे नुमाइंदे बन के हुजूर को जाते हैं, असी जाते हैं। कुछ लोग आखते हैं कि आपस दुश्मन सन, अबू बकर उमर हजरत अली के दुश्मन, अली अबू बकर उमर के दुश्मन, ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है, हकीकत नाल इसका कोई ताल्लुक नहीं। ए अल्लाह ने कुरान के भी खिलाफ है, नबी के फरमान के भी खिलाफ है। अल्लाह का कुरान आखता है रुहमा बैनहुम, रुहमा बैनहुम, के ए लोग आपस के अंदर रहम दिल सन,
محبت والے سن پیار والے سن قرآن پاک نے انہاں نوں آپس دے اندر پیار والا کیا ہے کوئی انہاں نوں آپس دے اندر دشمن کہندا رہے تو وہ اپنا ایمان دا بیڑا غرق کر سکتا ہے انہاں دی شان اندر فرق نہیں ہے شادی علی دی نمائندے ابو بکر عمر بن کے جا رہے نے حضور دی خدمت اندر اور جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی پیغام لے کے آئے ہاں تسی اپنی بیٹی دا رشتہ علی واسطے قبول فرما لو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر عمر تواڈے آن تو پہلے ہی جبریل اللہ دا پیغام لے کے آگے نے اور جبریل نے بھی کیا ہے ابو بکر عمر نمائندے بن کے آ رہے نے میرے محبوب اللہ فرماندے نے نہ نہ کرے ہو نہ کرے ہو یہ رشتہ قبول ہو گیا ابو بکر عمر رشتہ لے کے آئے حضرت علی دا حضور نے قبول فرما لیا پھر اتنے کوئی لمبا چوڑا منصوبہ نہیں ادھر رشتہ ہویا ادھر آپ نے فرمایا جاؤ مسجد دے اندر صحابہ نو جمع کرو مسجد دے اندر صحابہ جمع ہو گئے کوئی تاریخ نہیں رکھی ہوں فلانے دن منگنی کرن واسطے آواں گے پہلا اے آن گے پھر وہ آن گے پھر لمبا چوڑا کام ہوئے گا نہیں رشتہ ہویا اسی وقت فرمایا صحابہ نو جمع کرو صحابہ جمع ہو گئے میرے آقا منبر تے تشریف لائے آپ نے خطبہ نکاح پڑھیا اور اسی مجلس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر نو گواہ بنا کے نکاح دا حضرت فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال کر لیا نکاح ہو گیا کائنات دی عظیم جوڑی عصمت والی جوڑی دا نکاح ہو گیا خاتون جنت دا نکاح حیدر کرار نال ہو گیا پھر آپ نے کی صلات و سلام دی بیٹی اپنے گھر تقریباً 3-4 مہینے تو بعد بعض روایتوں کے مطابق 6 مہینے تو بعد رخصتی دا عمل ہویا جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دی رخصتی دا ٹائم آیا تو صحابی ایک سن حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا ایک مکان پیش کیتا ہدیے دے اندر کہ یا رسول اللہ یہ مکان میں فاطمہ الزہرا نو تحفے دے طور تے دیندا ہاں تو اس گھر دے اندر یہ شفٹ ہو جان اور اتنے جو ہے وہ اپنی نئی زندگی دا آغاز کرن اس طرح وہ مکان بھی مل گیا اور 6 مہینے تو بعد رخصتی ہو گئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو داماد پیغمبر بنن دا شرف حاصل ہویا پہلے برادر پیغمبر سن چچا زاد بھائی سن پھر داماد بھی بن گئے عصمت مزید بڑھ گئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی تاریخ آپ دا کردار آپ دے فضائل آپ دے مناقب بہت لمبے چوڑے نے اس مختصر وقت دے اندر وہ بیان کی نہیں کیتے جا سکتے میں صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دی پسندیدہ چیزاں کا تذکرہ فرمایا 3 چیزاں جڑی حضرت علی دی زندگی دا خلاصہ نے ساری زندگی مشقت اندر برداشت کیتی ساری زندگی پریشانی اور فاقہ کشی دے اندر گزاری ہے ساری زندگی بہت زیادہ پریشانی دے اندر گزاری فاقہ اور گھر دے اندر کھان پین کچھ نہیں سی ہوندا غربت دا عالم رہا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہ سارا دن ساری رات ہر وقت اللہ دے دین دی سربلندی واسطے مشغول رہندے سن دین دے کم تے مشغول سن دنیا واسطے ٹائم نہیں سی تو اس واسطے فاقہ کشی اور اس فاقہ کشی نو حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی قبول فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار امام الانبیاء دے جگر دا ٹکڑا چکی ہتھاں نال خود پیستی ہیں پانی خود لے کے آندیاں نے اور کھانا خود تیار کر دیا سارے کم خود کر دیا پہیاں نے کدے گلا نہیں کیتا کدے شکوا نہیں کیتا میری نسبت دیکھو میں کون ہاں اور میں کم کراں نہیں بلکہ حضور کو غلام لین واسطے گئی ہاں خدمت واسطے تو میرے آقا نے بھی غلام نہیں دیتا آپ آئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ میں اپنے آپ واسطے اور اپنی اولاد واسطے دنیا نو پسند نہیں کرتا دنیا دا مال دنیا دی دولت یہ میں نے پسند نہیں میں اپنے خاندان واسطے اس چیز نو پسند نہیں کرتا فاطمہ تو چاہے تو میں تینوں بہت زیادہ غلام دے دواں لیکن میں تینوں اے دے
बदले से एक वजीफा देता वहां जो थक जाया करे कम कर करके तो फातिमा बिस्तर से लेट के 33 मरतबा सुबहान अल्लाह 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर ये गुलामा तो ज्यादा अफजल है तेरी थकावट भी उतर जाएगी। ये वजीफा दसिया फातिमा ने मेरी सारी जिंदगी सवाल ही नहीं किया दुनिया का कोई इसी तरह जिंदगी बसर कर दी। कई कई दिन खजूर और पानी नाल रोजा रखे और खजूर और पानी नाल रोजा अफ्तार किया कई कई दिन ऐसे गुजर गए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी इसी तरह दरवेशाना गुजरी है और आपने अपनी जिंदगी दिया तीन चीजा पसंदीदा दसिया ने फरमाया हुब्बी इलैया मिनद दुनिया सलास मैं दुनिया चो तीन चीजा सब तो ज्यादा पसंद महबूब ने। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया अली बयान करो तुहानू की पसंद है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह सब तो पहले मैं पसंद है अस-सौम फि सईफ सख्त सर्दी सख्त गर्मी के मौसम के अंदर रोजा रखना मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गर्मी के नाल हल्क खुश्क हो रहा है और मैं अपने रब नू राजी करने वास्ते नफली रोजे रखा नफली रोजे गर्मी के मौसम के अंदर रखना ये मैनू बहुत ज्यादा पसंद है। वो दर्ब में शईफ दूसरी चीज फरमाया मैदान जिहाद के अंदर निकल के कुफर के मुकाबले च तलवार चलाना मैनू बहुत ज्यादा पसंद है। काफरों के मुकाबले च निकल के अल्लाह की रदा वास्ते कुफर का खात्मा करना भी मैनू बहुत ज्यादा पसंद है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर के मैदान अंदर ओहद के मैदान अंदर खंदक होए या गज़वा खैबर खैबर के मैदान अंदर बिल्कुल आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और मंशा के मुताबिक खैबर का किला पता करने वास्ते रवाना हुए सारी जिंदगी अली ने तलवार का हक अदा किया है अल्लाह की रज़ा वास्ते मैदान जिहाद के अंदर गुजारी है सारी जिंदगी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी वास्ते सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शमशीर व कपड़े ने मैदान जिहाद के अंदर उतर दे रहे ने इसी वास्ते असीं कहने अली नमाजी है अली कारी कुरान है अली आलिम बामल है अली गाजी और मुजाहिद है अली मुजावर नहीं मुजाहिद है अली दा नाम लेना अली दे नाम ते कारोबार करना अली दा नाम लेके भंग पीना शराब पीना चर्च पीना और अपनी गंदी जुबान तो अली दा बाबरकत नाम इस्तेमाल करना ये अली दे मुकद्दस नाम दी तोहीन है क्योंकि अली सारी जिंदगी नमाज छड़ी नहीं और आज अली दा नाम लेने वाला नमाज के करीब नहीं आता। अली ने सारी जिंदगी बदबूदार चीज नू अपने मुंह नाल नहीं लाया और आज भंग और शराब पी के कहते ने या अली 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 दे नारे बुलंद किए जाते ने अली कारी कुरान है आलिम इतना बड़ा है इतना बड़ा आलिम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा ए लोगो मैं इल्म दा शहर हाँ मैं इल्म दा शहर हाँ और अली उस इल्म दे शहर का दरवाजा है जिन्हें मेरा इल्म हासिल करना है वो अली दे दरवाजे तो गुजर के आएगा। मेरे इल्म मेरे शहर इल्म दा दरवाजा अली है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम बामल ऐसे इल्म दे मालिक ने कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने लोगो सिर्फ सूरह फातिहा सिर्फ सूरह फातिहा इतनी बड़ी अजमत वाली सूरत है एदी मैं तशरीह करना शुरू कर दवा एदी तफसीर लिखना शुरू कर दवा अगर मैं सूरह फातिहा दे रुमूसो औकाफ तो तुहानू आगाह करना शुरू कर दवा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने सिर्फ सूरह फातिहा दे बारे च मेरे ज़हन दे अंदर इतना इल्म और इतना मवाद मौजूद है कि लिख लिख के रजिस्टरां दे ढेर लग जान और 70 ऊंठा ते लदे जान 70 ऊंठा ते लदे जान इतना इल्म एक सूरत दे मुतल्लिक तो अली फरमा रहे ने
कि मैंने सब तो ज्यादा पसंद गर्मी के अंदर रोजे रखना, मैंने सब तो ज्यादा पसंद मैदाने जिहाद के अंदर तलवार चलाना। तीसरी चीज फरमाया वल खिदमत लिज़ईफ, या रसूल अल्लाह मेरे घर मेहमान आ जाए तो उस मेहमान की खिदमत करना भी मैंने बहुत ज्यादा पसंद है। कोई मेहमान आ जाए तो मेरा दिल करता है कि मैं अपना सारा कुछ सामने पेश कर दवा। सैयदना अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी नाल रोजा रखा होया है, पानी नाल रोजा रखे है। हज़रत फातिमा ने भी पानी नाल रोजा रखे है, फाका घर के अंदर मौजूद है। सैयदना अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजदूरी करके थोड़े जे जौ लेके आए, जौ पीसे गए, फूक मार के बुरादा उड़ाया गया, आटा गुनिया। हज़रत फातिमा ने चार या पंज रोटियां बनिया, चार पंज रोटियां बनिया, पंज रोटियां पंज फराद के सामने पईयां ने। एक रोटी हजरत अली दी, एक हजरत फातिमा दी, एक हजरत हसन दी, एक हजरत हुसैन दी, एक सैयदा फिदा जो खातिमा सन उन्हां दी रोटी है। पंज रोटियां पईयां ने, ऐन अफतारी का टाइम होण वाला है कि दरवाजे ते दस्तक होंदी है, आना बनु सबील, मैं मुसाफर हां, कुछ मिल जाए कि मैं खा लवा। हजरत अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हसन ए मेरे हिस्से की रोटी ले जाओ और मुसाफिर नु दे दो, मैं पानी नाल रोज़ा इफ्तार कर लवांगा। जब हजरत हसन जान लगे और रोटी लेके तो अपने अब्बा जान की तरफ देख के फरमाने लगे, अब्बा जान अगर इजाजत होवे तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी शामिल कर लवा। हजरत अली ने फरमाया, बेटा नेकी दे कम में पूछन दी की जरूरत होंदी है। बेटे ने भी रोटी दे दी। हजरत हुसैन छोटे ने वो भी खड़े हुए, कहने लगे भाई जान मेरे हिस्से की रोटी भी ले जाओ, वो भी शामिल हो गई। हजरत सैयदा फातिमा तुद्दहरा ये मंदिर वेख दियां पईयां तन, ओ किसना पीछे रह जांदियां जिन्होंने सखावत दे गोली हुजूर को सिक्के तन, वो भी कहने लगियां बेटा मेरे हिस्से की रोटी भी ले जाओ। चार रोटियां लेके हजरत हसन जाने लगे तो पिछों हजरत हसन का दामन अली दी खातिमा ने फड़िया, सैयदा फिदा ने, और उन्होंने भी रो के रोटी पेश कर दी। और क्या शहजादे मेरी रोटी भी ले जाओ ताकि दुनिया नु पता चले अली दा ठाड़ी सकी नहीं, अली दे नौकर भी सकी होते ने। ये अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला मेहमान की खिदमत करना मैंने बहुत ज्यादा पसंद है और सारी जिंदगी इसी तरह गुजारी। हजरत अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया, अबशर या अली, ए अली खुश हो जा, खुश हो जा, तेरा घर जन्नत के अंदर मेरे घर के सामने होगा। इतने अजमत वाले, इतनी शान वाले, इतने दर्जे वाले कि नबी करीम अलैहि सलाम फरमा रहे ने, अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। हजरत सैयदना अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े मकाम के मालिक ने, लेकिन आजजी और इनकिसारी की, अल्लाह का खौफ, आखरत का खौफ और क़यामत का डर, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाने के बावजूद भी है। सानू तो पता नहीं की बनना, लेकिन अभी बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल बेफिक्र। और ओ ने जिन्हों जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुके है, कामयाब हो के दुनिया तो गए, लेकिन खौफ यह है, आखरत का डर और आखरत की फिक्र यह है कि हजरत कुमेल फरमाते ने कि जामिया मस्जिद कूफा के अंदर शहरी के टाइम सख्त सर्दी के मौसम अंधेरी रात को मैं दाखिल होया, तहज्जुद का टाइम है, पूरी मस्जिद के अंदर अंधेरा है, सर्दी है, सख्त सर्दी, और मस्जिद के अंदर किसी के रोन की सिस्कन की आवाज आ रही है। मैं आवाज के करीब होया तो मैंने देखा कि ये सैयदना अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अब आपकी दाढ़ी मुबारक लंबी सी तो आपने अपने दोनों हाथों के नाल दाढ़ी अपनी फड़ी हुई है और रो रहे ने,
और जबान तो कह रहे ने आह इन आह मिन किल्ला बहुत सारी नस्बत खातल ने और खौफ आखिरत यह है कि फरमा रहे ने आह इन आह मिन किल्लत जात व बहुत सफर व वहशत तरीक। ए अल्लाह अफसोस से मैं डर रहा हूं, खौफ आंदा है, रास्ता बड़ा लंबा है, मौत तो बाद आखिरत का सफर बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ा खतरनाक रास्ते, और मेरे कुल नामा अमाल दे अंदर तोशा बड़ा थोड़ा है, तोशा थोड़ा है। अंदाजा लगाओ थोड़े तोशे वाले का घर नबी दे घर के सामने हो सकता है? नहीं। समान बहुत सी, अमाल बहुत सन, लेकिन वो ज्यादा अमल करके भी समझते सन कि असी कुछ नहीं किया, असि थोड़ा जहा करके भी बड़े अज नमाजी बन जाते। मैं चार नमाजा पढ़ ला तो मैं तो पक्का जलती हूं, चार रुपये अल्लाह की राह दे तो समझ गया जन्नत के अंदर घर मिल गया। थोड़े जे नेक अमाल करन दी अल्लाह तौफीक दे दे ते अक्सर असी अक्सर औकात नेकी दे तकब्बर च मुबतला हो जाते हैं, असी समझते पता नहीं असी कितने पहुंच गए। और वो लोग जिन्हों का अमल भी आला दर्जे का और जिन्हों का अमल बारगाह इलाही के अंदर कबूल ही कबूल है, वो लोग जिन्हों के अमल की कबूलियत दुनिया से जाहिर हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि या अल्लाह सफर बड़ा लंबा है और इतने लंबे सफर के अंदर इतने लंबे सफर वास्ते मेरे को दोषा बड़ा थोड़ा है, पता नहीं की बनेगा। ये कह रहे ने और रो रहे ने, ये कह रहे ने रो रहे ने, रो रो के दाढ़ी आंसुआ नाल तौल हो चुकी है। हजरत कुमेल फरमाते ने मैंने मोंडे ते हाथ रखिया, अमीर अल मोमिनीन अमीर अल मोमिनीन की हो गए। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन खुदी हिचकी, आपका रोना बंद नहीं होया और आप इसी तरह मुसलसल रोंदे ने, अल्लाह की बारगाह के अंदर गिड़गिड़ाते ने। मेरे दोस्तों सानू भी चाहिए असी इन हजरात के नाल मुहब्बत का दावा रखते हो। अगर अली नाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुहब्बत है तो सैयदना अली वाला किरदार अपनाना पड़ेगा। अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा आखिरी अमल है नमाज की अदायगी, आखिरी अमल नमाज वास्ते आ रहे सन, मस्जिद के अंदर दाखिल होए, दरवाजे के पिछे दुश्मन छुपया और उसने हमला किया, मस्जिद के अंदर आ रहे सन फजर की नमाज वास्ते, तो आप अली आप रज़ी अल्लाह तआला पे हमला होया। अली दा आखिरी अमल नमाज है, अली दे बेटे नबी दे नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा आखिरी अमल मैदान करबला के अंदर नमाज है, असर की नमाज सजदे के अंदर आपने अपना सर कटवाया है। जदो ये खानदान नमाजी है, नमाज नहीं छड़ता किसी हालत के अंदर भी, तो असी किस तरह छड़ते हैं? अली का पसंदीदा अमल रोजा है, और अज असी वेखते हैं सड़कों के अंदर आते जाते हैं सिगटा लाइया ने पी रहे मुसलमान रोजा, रोजा जो है वो परवाह नहीं है। और पुछो तो कहेंगे असी अली दे सब तो ज्यादा मुहिब हाँ, हजरत अली ना सब तो ज्यादा प्यार ही सानू है। मेरे दोस्तों जुबानी और आप में दीगर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन, मैंने पहले भी अर्ज किया इन्हां दी आपस के अंदर कोई दुश्मनी नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक ने 16 बेटे अता फरमाए, हजरत फातिमा तो बाद आपने मजीद 8 शादियां कीतियां, और इन्हां बीवियां चों अल्लाह पाक ने 16 बेटे 18 बेटियां अता फरमाइया। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बड़े बेटे हसन, छोटे बेटे हुसैन, मोहसिन, इन्हों तो बाद बेटा पैदा होया आपने नाम रखिया मुहम्मद, और बाद मुहम्मद तो बाद जो बेटा पैदा होया आपने नाम रखिया अबू बकर, फिर बेटा पैदा होया नाम रखिया उमर, फिर बेटा पैदा होया नाम रखिया उस्मान। ये नफरत की दलील नहीं, मुहब्बत की दलील है। हजरत अली की अबू बकर उमर के नाल मुहब्बत ही इतनी ज्यादा है कि अपने बेटियां दे नाम अबू बकर उमर उस्मान दे नाम करके, और ये अबू बकर बिन अली उमर बिन अली उस्मान बिन अली ये तीनों बेटे शहदाए करबला के अंदर शामिल है, शहीद करबला ने। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दे नाल मुहब्बत के झूठे दावे करने वाले उन्होंने कदे मलंगा को पूछा करो ना शहदाए करबला के ना ही दस दो,
उन्होंने किताबों अंदर भी मौजूद है, शिया सुनी सब किताबों के अंदर ये मौजूद है। अबू बकर बिन अली शहीद करबला, उमर बिन अली शहीद करबला, उस्मान बिन अली शहीद करबला, ये मोहब्बत की दलील है, नफरत की दलील नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल होया, जनाजा तैयार हो गया, जनाजे वास्ते जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली सफ के अंदर बैठे सन, रो रहे सन कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में जो आखिरी निशानी भी दुनिया तो रुखसत हो गई। हजरत अबू बकर का सिर थले सुटिया होया, रो रहे ने कि पीछे किसी ने मोंडे से हाथ रखिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपना सर मुबारक उठा के देखा तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन, और आपने हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर को फरमाया, कुम फसल्ले अलैहा, अबू बकर उठो फातिमा की नमाज जनाजा पढ़ाओ। अगर दुश्मनी होंगी तो अबू बकर को आगे किया जाता सी, नहीं हजरत अबू बकर ने खुद किया, अली तुम्हारी बीवी है, तुम हक रखते हो, तुम जनाजा पढ़ाओ, अपनी बीवी का जनाजा खुद पढ़ाओ। हजरत अली कहते हैं हाँ मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बीवी का जनाजा पढ़ावा, लेकिन की करा, मेरे कन्ना में मेरे आका का फरमान गूंजता है, जब मेरे आका ने मुसल्ला तुम्हारे सुपुर्द किया सी उस वेले मेरे आका ने एक इरशाद फरमाया थी, मा यम बगी भी कौमिन आई यकून फी ही अबू बकरिन आई उम्महुम गैरो, ये लोगों मेरे बाद ये जाब्ता कानून याद रखना कि जिस मजलस अंदर अबू बकर मौजूद होवे, मेरे बाद जिस मजलस में अबू बकर मौजूद होवे, किसे होर नू इजाजत नहीं मुसल्ला इमामत दे आ जाए। अबू बकर मैं सुनिया अपने आका का फरमान अपने कन्ना नाल, इस वास्ते चाहत दे बावजूद भी मैं मुसल्ले ते नहीं आ सकता, तुसी नमाज जनाजा पढ़ाओ। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत फातिमा तुज़हरा का जनाजा पढ़ाया, ये सारी मोहब्बत दी दलीलां ने। अल्लाह तबारक तआला सानु सब नू सहाबा व अहले बैत दी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमारे ना इल्ला वला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अकबर यकीन सानु सब वला सनी ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمنافقين صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه